नमस्कार, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। साइबर क्राइम के रोकथाम हेतु साइबर सेल जबलपुर ने लगाया थाना चरगवा में सेमिनार। हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी चरगवा विनोद पाठक ने बताया कि साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने थाना चरगवा परिक्षेत्र के लोगों को जागरूक करने हेतु साइबर सेल जबलपुर के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें चरगवा गांव के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सेमिनार में साइबर सेल के अधिकारियों के द्वारा युवाओं को साइबर अपराध से बचने के दिशा निर्देश दिए गए। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। सर, चरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी जो साइबर सेल के अंतर्गत एक सेमिनार आयोजित किया गया था, उसके विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये आज का ही विषय है। 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का साइबर क्राइम से संबंधित होने वाली सावधानियों को किस प्रकार से लोग ग्रहण करें और उनको अपने सावधानियों को रख के वो फ्रॉड से बचें, इस हेतु हमारे जबलपुर के श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बमना सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय अग्रवाल सर, देहात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल साहब और नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री प्रियंका शुक्ला मैडम के आदेश निर्देश पर जबलपुर की टीम, जिसमें सौरभ जी, राजेश और नितिन ये आए हैं, इन लोगों ने अभी 2 घंटे का एक सेमिनार किया, जिसमें लगभग 100 की संख्या में लोग और युवा चरगवा थाना क्षेत्र के उपस्थित हुए। इनको ATM किस प्रकार से उपयोग करना है, ATM फ्रॉड से आप किस प्रकार से बच सकते हैं, बैंक में आपको क्या सावधानियां रखना है, बैंक फ्रॉड से आप किस प्रकार से बच सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको किस तरह से सजग रहना है जिससे आपके साथ किसी प्रकार को कोई फ्रॉड ना होने पाए, इत्यादि बहुमूल्य जानकारियां इनको आज दी गई और बड़ा उत्साह था इन लोगों के बीच में, लड़कों के बीच में काफ़ी उत्साह नज़र आया। और हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन लोगों ने ये कहा भी कि यदि इस तरीके की जानकारी और इस तरीके का कार्यक्रम यदि हो तो निश्चित रूप से हम लोगों पे जो आज प्रभाव पड़ा है कि हम अपने व्हाट्सएप को और फेसबुक को किस प्रकार से हम लॉक कर लेते हैं जिससे हमारे साथ में फ्रॉड नहीं हो पाता, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे अभी जो जबलपुर से टीम आई है उनके द्वारा दी गई है। अभी सौरभ जी भी आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो बहुत ही मुख्य बिंदु है। जो सेल के अंतर्गत आपने एक सेमिनार आयोजित किया गया था, तो उस पर आपने लोगों को क्या जानकारी प्रदान की? सर, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के नेतृत्व में हम अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाके लगातार बहुत सारे सेमिनार ऐसे जिनमें हम साइबर से संबंधित फ्रॉड, ATM फ्रॉड, ATM क्लोनिंग और सोशल मीडिया पर होने वाले लगातार फ्रॉडों के बारे में आम जनता को जागरूक कर रहे, जिससे कि जनता में जागरूकता आए और वो ATM का सही इस्तेमाल करें, बैंक के होने वाले फ्रॉडों से बच सकें और सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल कर सकें। सर, जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि जैसे फोन पे, गूगल पे से कुछ लोग फ्रॉड कर लेते हैं, उनका पैसा डूब जाता है, तो क्या हमारे साइबर सेल के अंतर्गत ये पैसा वापस होने की संभावना है? सर, सर हम लगातार प्रयास करते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं ताकि उनके पैसे को होल्ड कराया जा सके और लगातार वरिष्ठ अधिकारी भी इसके विषय में जागरूकता फैला रहे हैं ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। सर, साथ ही देखा जा रहा है कि हमारे आज के आमजन में मोबाइल गुमने पर पुलिस को शिकायत भी नहीं की जा रही है, ऐसा क्या है? हमारे साइबर सेल इतना जागरूक क्यों नहीं है हमारे लोग आजकल? हमारे समस्त थाना क्षेत्रों में लगातार मोबाइल गुमने की शिकायतें प्राप्त होती हैं और हमारे साइबर सेल को प्राप्त होती हैं और हम उनको लगातार ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। सर, अपना परिचय देंगे।